वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एडो। आज हम लोग इमेजेस को पीडीएफ में कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हों और हम उसे एक फाइल पीडीएफ फाइल में चेंज करना चाहते हों तो आज हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। इसे करने में 2 मिनट्स लगते हैं और इसके थ्रू आप बहुत सारी इमेजेस को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं और इससे हमारी फाइल का साइज़ भी कम हो जाता है। तो चलिए सीखते हैं आज इस प्रोसेस को। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर होना चाहिए जिसे हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद हम लोग उसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने इसे ओपन किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जाएगा और ये जैसे ही खुलेगा इसमें हम लोगों को पास 2 ऑप्शंस मौजूद होंगे जहाँ से हम फ़ोटो ले सकते हैं। हम यहाँ से भी फ़ोटो ले सकते हैं और हम यहाँ से भी फ़ोटो ले सकते हैं और नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कन्वर्ट टू पीडीएफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन नीचे के साइड हमारा आता है, कन्वर्ट टू पीडीएफ। तो यहाँ से हम लोग कन्वर्ट करेंगे लेकिन उससे पहले हमें फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। हम फाइल से फ़ोटो सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम इस ऑप्शन से फ़ोटो सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं इस फ़ोटो ऑप्शन पे सॉरी इस फाइल ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से हमें किसी भी फाइल से जहाँ से हमें फ़ोटो लेने हैं हम वहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो ले लेंगे। मैं सपोज़ मैं यहाँ से लेना चाहती हूँ और मुझे जितने फ़ोटोज़ लेने हैं मैं उन सबको सिलेक्ट कर लूँगी। जितने भी फ़ोटोज़ मुझे लेने होंगे उन सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन ऑप्शन आ रहा है, इस डन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जितने भी फ़ोटो मुझे लेने हैं, सपोज़ मैंने 6 फ़ोटो पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर 6 फ़ोटो पर क्लिक किया है और इसके बाद मैं इस डन ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो मैं डन पे क्लिक करती हूँ और ये 6 के 6 फ़ोटो यहाँ पर आ गए। अब नीचे की साइड आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे हम लोग क्लिक करेंगे जिसके थ्रू हमारी फ़ाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं अब इस पर क्लिक कर देती हूँ और देखिए कन्वर्टिंग पीडीएफ हो रहा होगा। देखिए अब हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, हम इसे शेयर भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से नहीं ओपन कर रही हूँ और ना ही यहाँ से शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका नेम चेंज करना होगा। जो इसका नेम लिखा है हम ये नेम ना रख करके हम कोई और नेम लिखेंगे जिससे कि हमें आसानी हो उसे समझने में। तो देखते हैं कैसे हम नेम चेंज करते हैं, उसको देख लेते हैं और उसे फिर कैसे शेयर करते हैं इसे भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसे बैक कर देंगे, बैक करते हैं, फिर हम अपने फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम लोग जैसे ही हम फाइल में जाएंगे इसके बाद हम लोग अपना मेमोरी खोलेंगे और इसमें देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इमेज टू पीडीएफ एक फोल्डर बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो इमेज टू पीडीएफ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 3 फाइल्स दिखाई दे रही होंगी। हमारी ये जो अभी बनी है वो फाइल ये है, इसे हम खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट खोलते हैं इसे। इसे हम जब खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमने देखिए जिन 6 फ़ोटोज़ को लिया था वो सारे फ़ोटोज़ इसमें अवेलेबल हो चुके हैं, सारे के सारे 6 फ़ोटोज़ आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सभी फ़ोटोज़ को आप आराम से काउंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 फ़ोटोज़ आ गए हैं, यहाँ पर हमें दिया भी हुआ है कि 6 फ़ोटोज़ हमारे आ चुके हैं, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये हमारे 6 फ़ोटोज़ आ गए हैं, इन्हें हम जो है इस तरीके से देख सकते हैं। अब हमने कहा था कि हम इसका नेम कैसे चेंज करेंगे ये भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस फाइल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इस वाली फाइल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं, फिर ऊपर के साइड 3 डॉट्स बने, इस डॉट पे क्लिक करेंगे। इन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद इसमें हमें रीनेम ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हम रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रीनेम ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमें फ़ाइल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो हम यहाँ से हम देखिए जो है फाइल का नेम चेंज करेंगे, फाइल का नेम चेंज करते हैं। सबसे पहले हम फाइल का नेम चेंज करते हैं, कुछ भी नेम हम लोग रख देंगे, जो नेम रखना होगा उसे रख देंगे। और सपोज डैट मैं एक क्लास वर्क तैयार कर रही हूँ तो मैं क्लास वर्क लिख दूंगी और इसे ओके कर देंगे। अब देखिए क्लास वर्क नेम से हमारी फाइल ये सेव हो गई है, क्लास वर्क नेम से हमारी फाइल ये सेव हो गई है। इस तरीके से हमने इमेज टू पीडीएफ इसे कन्वर्ट कर दिया है और यहीं से हम लोग शेयर भी करा लेंगे। अगर हमें शेयर कराना होगा इसे सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हो जाएगा, यहीं से हम शेयर भी करा लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि हम अपनी फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारे फ़ोटोज़ को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
दीजिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।